हाँ जी, तो पैनल्स को वॉश करने का समय हुआ जाता है। अभी ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितनी डस्ट है, कितना टाइम हो गया है, और हम कौन सा शॉर्टकट लेते हैं इसको धोने के लिए वो भी दिखाते हैं। इस मशीन की मदद से भी मैं इसको वॉश करने वाला हूँ। डस्ट ऊपर से खासी है, अभी मशक्कत करके मैं ऊपर चढ़ा हूँ, बदान में भी चढ़ रहे हैं ऊपर। बिस्मिल्लाह, ये आ गई हमारे पास ऊपर। तार इसकी लंबी है, सर बचा के लग गया, हल्का सा लगा। अच्छी खासी मिट्टी है, आजकल सूरज पहले ही नहीं है और मिट्टी तो ये तकरीबन इतना फ़र्क है। अच्छा, अब करने ही वाले हैं हम इसको, कपड़ा नहीं मारेंगे ना ब्रश मारेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा काम है, इतना दूर हमारा आ जाएगा भी नहीं हाथ। तो अभी जैसे ही नीचे से पानी ऑन होता है, पानी ऑन हो चुका है, हॉरिजॉन्टल वीडियो भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें करना ये कि हम इसके बिल्कुल नोक बना के इसकी नहीं मारेंगे, शीशे को हम डायरेक्ट यूँ धो रहे हैं, उससे डैमेज भी हो सकता है। हमने इसको अब जैसे ये अभी पीछे से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, अगर दूर का कर रहे हैं तो प्रेशर बनाए, अगर करीब का कर रहे हैं तो उसको फैला दिया पानी को, लाइन में पानी जमा हो जाए, प्रेशर बन जाए, फिर एकदम आएगा। चल, एहतियात के तौर पे ये कर सकते हैं कि अगर आपको डर है कि कोई करंट शरंट तो नहीं लग जाएगा, अर्थ तो नहीं आएगा, तो नीचे से पैनल्स का ब्रेकर बंद कर दें एहतियात के तौर पर। अगर आप पूरे इन्वर्टर बंद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ख्याल इसी से रखना है कि बिल्कुल पीक टाइम पर नहीं धोना, जब सूरज की अच्छी खासी गर्मी हो, पैनल अच्छे खासे गर्म हुए हों। अभी शाम का टाइम है, सर्दियों के दिन है, पैनल ठंडे हुए हैं, तो इसलिए कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है इसके ऊपर धोने से। या तो आप शाम के टाइम धो लो, या तो आप सुबह सवेरे धो लो। उसके अंदर ग्लास एकदम गर्म नहीं हुआ हो तो एकदम उसके ऊपर पानी पड़ता तो उसके क्रैक होने के चांसेस, उस पर लाइन जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रेशर अभी और मरेगा। अब देखिए, मैंने बताया था ना, इस कॉर्नर से अगर आपके तीन गन लगे हुए सिक्वेंस पर तो इस गन से तो काम हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा आगे लगे हुए तो आपको इससे ज़्यादा प्रेशर वाली गन चाहिए। अच्छा, मैं इसको धोना वहाँ उस ऊपर से स्टार्ट करूँगा, इस तरह से फिर मैं नीचे की तरफ आऊँगा। मिट्टी देख रहे हैं खासी है, तो मैं आप तो बर्ड्स के नजर आ रहे हो कि जो है बीच जो है ये तो टट्टी है, ये काफी तक हटा देगा। कॉर्नर वाले थोड़े मुश्किल से हटते हैं लेकिन बाकी हट जाते हैं। नीचे होता तो दिखाता नीचे कितनी मिट्टी गिर रही है, इसमें दूर वाले में तो इसी ने समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाकी हम अभी इस साइड पे जाके भी कर सकते हैं, वहां तक पहुंच के मैंने कोशिश ये करनी कि लेयर यूं होके जाए लग के। अच्छा, काफ़ी हद तक हमारे फ्रेंड के तीन हो चुके हैं, बताया मैं अभी अभी साइड के तीन करने लगाऊँ। ऊपर से नीचे तक करने की वजह भी कि ऊपर से जो पानी आता जा थोड़ा थोड़ा वो नीचे गिरता तो है, लेकिन सीक्वेंस होता जा रहा है। अब मैं जब मैंने ये वाला करना है तो मैंने इसका प्रेशर जो ना जो जॉइंट है इसको करीब कर देना है। जब मैंने इसको करीब कर दिया तो ये फुहारा बन जाएगा ये। अब उस हिसाब से मैंने देखना ये कितना मुनासिब रहेगा कि जो डस्ट हटाते। ये तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये हो गया है, अपनी तसल्ली के हिसाब से जो है जितना मारना चाहें उसको मारना है। वो कॉर्नर अभी भी लग रहा है, उसको जाके ज़रा करीब से देखते हैं अभी। अब देखें जगह कम है ना बीच में, तो इससे भी जाने में प्रॉब्लम होगी, जगह ज़्यादा हो बीच में डंडा ना हो तो बंदा बीच में जाके बारह पैनल तो ईजीली वॉश कर सकता है फिर। नीचे वाले समझ रहे होंगे बारिश हो रही है, पर तो फुहार आना शुरू हो गई है बिना बादल के बारिश। ना नहीं, मेरा ख्याल है मैं क्लीनिंग सर्विस का भी एक
चलाना चाहिए होता है, पर पैनल वॉश का हिसाब किताब होता है। चलाते को मुश्किल काम भी नहीं है, हमने मशीन को डालना है गाड़ी में और ले जाना है। मैंने देखे बहुत सारे लोगों के पैनल सालों से गंदे पड़े हुए हैं, लिटरली वो देखे वो सामने है। अब वो मेन रोड से गुजरेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोगों के पैनल गंदे, मैंने कभी एक दफा साफ नहीं देखे। ऐसे ही है मुझे। बहुत सारे लोगों को ध्यान ही नहीं होता कि इसको करना भी, बोलता ठीक है लग गया बारिश हो जाएगी तो हो जाएंगे, लेकिन बारिश से हो तो जाते हैं कुछ हद तक, लेकिन प्रेशर नहीं होता इतना ज्यादा। जैसे आप इसमें आ गया और इसके ऊपर जाऊँ तो मैं वाइपर, जहाँ तक मैं रात जा रहा हूँ मैं वाइपर भी कर सकता हूँ, वाइपर से भी थोड़ी सी लेयर होती है वो हट जाती है। बाकी एक डंडा आता है तकरीबन कोई 50 फुट का, वो फोल्ड हो जाता है बाहर से आता है, तो कंपनीज होती हैं वो लाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शीशे साफ करती हैं। भरिया के हेड ऑफिस में एक दफ़ा मैंने साफ होते हुए देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो वो फिर बनने के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब या तो बार बार कंपनी को नहीं बुलाना चाह रहा पे करने के लिए, तो वो एक दफ़ा ये मशीन लेकर रख ले, खुद मेहनत करेगा नहीं कर सकता, घर में कोई फर्द नहीं करने वाला, तो फिर वो कंपनी से रब्ता करके जो है। तो ये मंथ में कितनी दफ़ा इसे वॉश करना चाहिए? वैसे मेरा ख्याल है कि मंथ में एक दफ़ा भी काफ़ी है। अच्छा, लेकिन आपका कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे डस्ट ज़्यादा आती है, तो जिस तरह ये एरिया है हमारे वाला है फिर भी कम है, या तो फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है घर बहुत सारे, तो इसलिए जो है ना डस्ट ज़्यादा है, या हमारे यहाँ पे जब सीजन होता है जब आंधी ज़्यादा आती है तो हमें पता होता है कि आंधी है, ये भी अच्छी खासी डस्ट बैठ गई, चाहे इस वक्त मैं क्यों ना करके जा रहा हूँ, तो हमने खुद उसको देखना है कि यार हमें हफ्ते में जरूरत पड़ रही है, महीने में जरूरत पड़ रही है, या 2 महीने बाद जरूरत पड़ रही है, वो कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन के हिसाब से, और बारिशों के दिन हो रहे तो आपको उन दिनों ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की। अब मेरा अंदाजा था कि शायद इतने गंदे नहीं होंगे, लेकिन मैं ऊपर आ नहीं रहा था इतने दिनों से, तो शायद 2 महीने से ज़्यादा हो गए, ये शायद उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो अब आया तो देखा अच्छी खासी डस्ट है। अब वैसे ही सर्दियों के दिन आए में प्रोडक्शन वैसे ही कम हुई भी, अभी अब कल देखेंगे कल कितना वैसा फ़र्क आएगा कल की नस्बत और आज की। उसमें ये वैसे कितना फर्क आ जाता है, ये नहीं अगर एक मतलब आपने 1.5-2 माह से साफ नहीं किए हुए प्रोडक्शन में? हाँ, प्रोडक्शन तकरीबन कोई 5% या 10% आना चाहिए फर्क। डस्ट की अच्छी खासी लेयर बन जाती है, आपने देखा अच्छा खासा जो ना इवन हमारे पास जो नीचे सोलर लाइट्स लगी हुई ना जी जी, उसकी भी डस्ट जब मैं साफ कर देता हूँ ठीक है, वो जो उसका बैकअप है वो शाम को 6 से 8 घंटे हो जाता है। अगर वो डस्ट में साफ नहीं करता था वो उसका बैकअप का मुझे मतलब वो चार्ज ही नहीं कर पा रहा सही से। इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन का होता है कि धूप चाहे जितनी पीक पर डस्ट उसके ऊपर ज्यादा है तो वो सही तरह नहीं सपोर्ट करता। लेकिन मतलब अक्सर लोगों को ये आइडिया नहीं होता, वो कहते हैं सोलर लगा लिया तो बस ठीक है, बस ठीक है लग गया, तो फिर वो कहते हैं ये प्रोडक्शन ही सही कर रहा। बेहतर प्रोडक्शन चाहिए हमें, लग रहा है हमारे इनफ नहीं है, तो हमें सोलर पैनल तो लाजमी साफ रखने होंगे। ऐसे और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान प्रोसेस है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, लाइफ भी बढ़ जाती है। और लगाते हुए एक चीज का ख्याल ये करना है कि आपने ये देखना है कि लगा तो लिए, उसकी सफाई के लिए हम ऊपर आ सकते हैं नहीं आ सकते, हमारे पास जगह है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हमें कुछ लोग इसको ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो बात नहीं, वो भी पानी फेंक देता है लेकिन इसमें वो बात नहीं बनती। कुछ लोग लगा लेते हैं ऑटोमेटिक मोटर के साथ कनेक्शन हो जाता है पाइप्स का, उसमें होल्स हो जाते हैं, हर सोलर पैनल के पास वो एक फुहार बना देता है जिससे गार्डन में हमारे पाइप चलता है। अब ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक रुक के इसलिए मार रहा हूँ, जो पानी में मार रहा हूँ वो मिट्टी को लेके ना या नीचे लाइन में आगे जमा हो जा रहा है, आपने देखा होगा वहाँ पे भी नीचे नीचे जमा। इधर जरा दिखाएं ये जो आप ये इधर ये देखिए ना मिट्टी क्या बढ़ रही है, दोबारा दिखाता हूँ ये देखिएगा मिट्टी बीच में आ गई ऊपर से लेके नीचे सारी, अभी इसको मैं मारूंगा तो घड़ी आएगी सारी, ये देख ना वाइट लाइन नजर आने लगी साहब। सारी मिट्टी जो ऊपर से नीचे आई थी नीचे से आके फिर साइड पे गिरा दी। अब ज़रा मैं सोच रहा हूँ मैं उस तरफ जाऊँ, वो देखूँ कॉर्नर्स पर, मुझे डाउट हो रहा है कि वो बीट्स हैं कि किस चीज़ के निशान हैं। ठीक है, सीढ़ी को हम ज़रा उस तरफ रखते हैं क्योंकि वो ऊंचाई बीच में हमारे पास जगह नहीं है, और वहाँ जाके इसको मैं आगे मजीद करता हूँ। परिंदों की बीट्स हैं ये तो टट्टी है, हमें लगा था शायद वो ओले आके गिरे हैं, ओले गिरेंगे तो सब गिरेंगे, इधर क्यों गिरेंगे सर। अच्छा यहाँ से खासा बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ से खड़ो के देखो तो प्रेशर था, मैं ही ना पीछे चला जाऊँ। ध्यान से वैसे तो ज्यादा जाता नीचे। ये वो जो गाड़ी वॉश करने वाली वो गन है भाई, वही है।
हाँ जी, ये आफ्टर का सीन है। हल्की फुल्की कसर रह जाती है, थोड़ा सूखने के बाद नज़र आता है, जैसे ये हल्का सा ही किनारा रह गया। ये सीन है बिफोर आफ्टर।